अलग सा एक होरा होता है, उनके बीच में किस तरह का सामंजस्य हो, आपस में वार्तालाप हो, और जो उनके अंदर की विरोधाभास है वो यूनिवर्सिटीज कैंपस के या कॉलेज कैंपस के अंदर ही निबट जाए। बट पिछले कुछ समय से वो सब पब्लिक डोमेन में आ रहा है, और जब पब्लिक डोमेन में आ रहा है तो नेचुरल है कि पब्लिक की उत्सुकता उसको जानने में होगी। एंड आई थिंक इट इज ए अपॉर्चुनिटी कि आज हमारे बीच में दोनों पक्ष यहाँ पर हैं, फॉर वन रीजन और द अदर। और एक जानकारी जिसको एक सिविल सोसाइटी अंडरस्टैंड करे विद बोथ द एंगल, बिकॉज हम एज ए प्लेटफॉर्म एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं, और जो संवादहीनता एक जगह से टूट के खत्म हो जाती है उसको हम दोबारा से ताका बाना बुन के दोबारा से शुरू करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक रोल रहा है। अगर दिल्ली के ऊर्जा के विषय में लोग जानते हैं, जो जानकारी रखते हैं, हम यही काम करते हैं अपनी सोसाइटी में, किसी भी विषय के ऊपर, पॉलिटिकली भी करते हैं, सोशल इश्यूज के ऊपर भी करते हैं। और आज इसी दिशा में ये प्रयास था कि मीडिया का जो रोल है, जो बायस दिखाई देता है हम टीवी के पर्दे के ऊपर, उस बायस से हम बाहर निकलकर एक रियल डायलॉग के अंदर एंटर करें। दैट वाज द रीजन जो चाचा जी ने पहले बोला कि ऊर्जा टीवी का क्रिएशन किया, एंड वी वांट कि इस डायलॉग को हम आगे बढ़ाएं, जिसमें स्टूडेंट्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इस सिविल सोसाइटी की मूवमेंट को फ्यूचरिस्टिक तरीके में आगे ले जाने के लिए। बिकॉज हमारा भविष्य आज का स्टूडेंट्स, और अगर वहां पे कोई संवादहीनता या कोई मोरालिटी या कोई विश्वसनीयता ट्रस्टनेस अगर उसमें कोई कमी आ रही है, या हमारे जिसको हम बोलते हैं लिगेसी, पास की हमारी कोई लिगेसी है, नेशनल लिगेसी है, मोरल लिगेसी है, फैमिली की लिगेसी है, या सोशल लिगेसी है, और उसको हमें आगे बढ़ाना है, और या हम कोई नई लिगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, तो नेचुरल है हमें उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और करने की जरूरत भी है। और जब हम उसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली एक डायलॉग, ओपन डायलॉग होना चाहिए जो पब्लिक डिबेट में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें कोई हार्म नहीं है, और उसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। फीस बढ़े घटे, शिक्षा का स्वरूप कैसे हो, उसका डायलॉग कैसा हो, उसका स्टेटस और स्ट्रक्चर कैसा हो, उसमें किस तरह की पढ़ाई लिखाई हो, क्या छूटा क्या पाया, इस सबके ऊपर डिबेट हो सकती है, कोई बुराई नहीं है इन चीजों के अंदर। बिकॉज हमें इस सिस्टम को आगे ले जाना है, इस देश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जाना है, पर हम बायस होके उस विचार को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, और उस डायलॉग को हमें ओपन करना है, डायलॉग को बाकायदा बेतरतीब आगे बढ़ाना है। और अगर किसी भी जगह पे कोई ये कमी अगर दिखाई दे, तो मैं आज ओपन तरीके से बोल रहा हूं कि आप ऊर्जा को अप्रोच कर सकते हैं फॉर ओपनिंग ऑफ दैट डायलॉग। वेदर वी वांट टू अप्रोच एनी पॉलिटिकल सिस्टम, वेदर वी वांट टू अप्रोच एनी एडमिनिस्ट्रेशन, और वेदर वी वांट टू अप्रोच द बेनिफिशियरी, बिकॉज हम गिवर और टेकर, बिकॉज इसमें दोनों तरह से है, सरकार जो है वो हमेशा गिवर के रोल में रहे, और हम एज ए टेकर के रोल में रहेंगे, एज ए बेनिफिशियरी। एक अजीब सा रिश्ता है, वो हमें समझना पड़ेगा। और जहां तक बार बार जेएनयू की बात आती है, मैं खाली जेएनयू की बात नहीं कर रहा, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये विरोधाभास हमेशा दिखाई देता है। पिछले 5 साल की बात छोड़ दीजिए, पिछले 20 साल की बात ले लेंगे तो ये नंबर ऑफ स्ट्राइक्स, नंबर ऑफ इश्यूज हैव कम अप फॉर दिस रीजन ओनली। और हमें उन विषयों के ऊपर डेफिनेटली एक ओपन माइंड से चर्चा करनी चाहिए कि जितना भी हमारा इंटेलेक्ट है वो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, और वो बाहर जा रहा है, और वो निकल कहां से रहा, हमारी इसी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। तो जिनके ऊपर हम इतना लाखों करोड़ों रुपया हमारा खर्च हो रहा है, जिसको हम टैक्स पेयर्स एक्सटेकर्स मनी बोलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर भी डिबेट और डायलॉग ओपन करना पड़ेगा कि क्या रीजन है। अभी आपने कुछ बोला कि जो यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर निकलते हैं उनको बाहर जाके कितना रिटर्न मिलता है, क्या वो उस लायक बन पाते हैं कि समाज उनको वापस दे पाए उनकी रोजी रोटी के लिए, आजीविका के लिए, ये क्वेश्चन भी हमारे बीच में है।
मैं लोन लेके पढ़ता हूँ, हायर स्टडीज में जाता हूँ और मैं रिपे कर पाता हूँ नहीं कर पाता, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, पर आज ये काफी सारे डायलॉग्स हमारे बीच में ओपन हुए हैं। मैं इन सब के लिए आज से 3 years एटलीस्ट एक रास्ता हमने ओपन किया है फॉर ए पब्लिक डायलॉग एंड इनिशिएटिव, जिसके अंदर नॉट ओनली विद पर्टिकुलरली जेल, दिस विल सेट ए ट्रेंड नाउ फॉर होल ऑफ द नेशन, फॉर अदर यूनिवर्सिटीज टू कम अप एंड स्पीक इन पब्लिक डोमेन, डिस्कस द इश्यूज एंड फाइंड द सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच।